नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप स्क्रीन पर पेड़ से उतरते एक व्यक्ति को देख रहे हैं। ऊपर ये ताड़ का पेड़ है, ऊपर घड़े बंधे हुए हैं और इनकी पीठ में जो बंधा है जो प्लास्टिक का बर्तन, उसमें ताड़ी है। एक किस्म की लोकली प्रोड्यूस्ड शराब कह सकते हैं ताड़ी को। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो नियम इस पर लागू नहीं होता है, इसलिए गांव देहात के लोग इसको पीते हैं, सुरूर में आते हैं। अमूमन छोटे या बड़े पर्दे पर या यूट्यूब पर, फेसबुक पर नशे के बारे में बात नहीं की जाती है। हम यहाँ जीविका के बारे में बात करने आए हैं और नशे के इतर और नशे के बाद लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में बात करने आए हैं। इसमें कितना निकाला है आपने, हैं भाई साहब, कितना है ये? अच्छा, पहले इस पे डालते हैं, ऐसे चढ़ाना होता है पेड़ पे। क्या नाम है आपका? अरे घबराइए मत, हम कोई आपको परेशान करने नहीं आए, बस थोड़ा समझ नहीं आए ये सब कैसे काम करता है। नाम क्या है आपका? नाम मालिक बोला हमने, जान मालिक कौन है? आप हैं? अच्छा, आप मालिक हैं। चलिए, आपसे तो हमारा वहीं दोस्ती हो गया था। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। साधु चौधरी है। हाँ, साधु चौधरी। साधु चौधरी नाम लीजिए, हम चश्मा उतार दें, हम भी आप ही के साथ अपना काम करने आए। तो ये कितना पेड़ होता है ऐसे गांव में, मतलब ये ठेके पे होता है कि आप ही का पेड़ है, क्या होता है हिसाब इसका? ढेर आदमी का पेड़ है। ढेर आदमी, ये आपका पेड़ है? हाँ। अच्छा, तो एक पेड़ से एक दिन में कितना उतरता होगा? ये है कि कद 2 लीटर ले हुआ है। 2 लीटर हो जाता है, और क्या हिसाब बिकता है? 20 रुपये। 20 रुपया का एक मग बिकता है। हाँ, और साथ में चखना अलग से। चलिए चलिए चलिए, देखते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले। अच्छा, अरे तो बात तो कर लीजिए, ऐसे कोई आपके गांव आया है। नाम क्या है आपका? जोगिंदर। जोगिंदर, ये क्या नाम है आपके गांव का? मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर नाम है? ये धर्मपुर पड़ता है। ये धर्मपुर पड़ता है। अच्छा, तो ये गाँव कौन कौन से गाँव के लिए रास्ता जाता है? ये एम्स निकल जाएगा, कांग्रेस निकल जाएगा, यहाँ से एम्स के लिए भी रास्ता निकल। इधर आइए, इधर माइक पे आके बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? हम, अरे कोई बात नहीं भाई, अरे आप एक बात बताओ। अच्छा सुन लो सब लोग, उसके बाद मन करे बात करना, मन करे नहीं करना। सब चुनाव ना होता है, नेता लोग आता है, वोट लेके चला जाता है, सुन लीजिए। हैं, फिर बाकी सब लोग आता है, कहता है ये करेंगे वो करेंगे, पत्रकार लोग आता नहीं है। हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाते खाते हैं, ठीक है। हम लोग के सब ज्यादा बवाल में मत फंसाइएगा। कोई नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंदन हुआ। चंदन, एक बात बताओ चंदन, ये हम आपको बवाल में फंसाएंगे उससे हमको क्या मिल जाएगा? कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए सर हम लोग। हाँ, नहीं, आप ठीक बात कह रहे हैं। न्यूज़ पेपर दिखाइए। हमारा बाल बच्चा, मकसद ये है, हमारा मकसद ये है कि गांव देहात में जो गरीब आदमी रह रहा है जी, उसको पढ़ाई का सुविधा उसके बच्चों को है, उसको दवाई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, सिलेंडर शौचालय, उसका दुख तकलीफ क्या है, ये जानने निकले हैं। सही बात है, ठीक है, ये तो जान सकते हैं ना। आइए फिर बात करते हैं वहीं बैठ के। चलिए आइए बाबू जी, क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री काम। और चंदन आप क्या करते हैं? बोरिंग के मिस्त्री हैं सर। हाँ, हम बोरिंग का मिस्त्री हैं। बोरिंग कर, कितने हाथ पे पानी है यहाँ? यहाँ 180 पर है सर। तो गंगा जी पे आता है फिर भी 180 पे पानी है? गंगा जी पे 300 मिलेगा आपको। गंगा जी पे 300 मिलेगा? 300 मिलेगा। अच्छा। यहाँ अभी 30 फीट में पानी मिल जाएगा आपको, ऊपर जाइएगा रोड के ऊपर 180 मिलेगा। आइए आइए, नीचे चलते। तो ये आपके गांव का नाम क्या है? ये धर्मपुर महमदपुर हो गया सर, धर्मपुर सुठोला हो गया। धर्मपुर है? हाँ, महमदपुर गांव का नाम हो गया, महमदपुर गांव का। जरा हम एक मिनट ये दिखा दें फिर बात करते हैं। ये ताड़ी वहां से छन के आती है, ये भरी हुई डब्बे में है और उसके बाद इस तरीके से मग भर के मिलती है और एक मग ये उतारते हैं, फिर उसमें डालते हैं, फिर उसके बाद मग में देते हैं और एक मग 20 रुपये का है। क्या नाम है आपका? एजाबुल। एजाबुल, और ये चखना कितने के लिए? 10 रुपये का? 10 रुपये का। क्या काम करते हैं एजाबुल आप? यहाँ मकान बना रहे। मकान में, तो आज का ड्यूटी पूरा हो गया? हाँ। कितना लेते हैं रोज का मकान का? 400 रुपये। 400 रुपया। मिस्त्री हैं? हाँ। शादी हो गया आपका? नहीं हुआ। कितना उम्र है? 21 साल। 21 साल है। वोट डालने जाते हैं? हाँ। वोट मांगने आया है कोई? दे दिए वोट। वोट दे दिए? हाँ। अभी कहाँ, यहाँ तो वोट गिरे ही नहीं। हमारे गाँव, हाँ, पूर्णिया जिला। अच्छा, पूर्णिया डालने गए थे वोट? पूर्णिया गांव है ये हमारा, वहाँ यहाँ काम कर रहे हैं। पूर्णिया में चुनाव? पूर्णिया में वो लड़े ये सरफराज आलम। सरफराज आलम लालटेन छाप? हाँ, उन्हीं को दिए हैं वोट हम। नहीं, सरफराज आलम पूर्णिया में नहीं है। क्यों जी? सरफराज आलम तो अररिया लगता है ना, अररिया लगता है। पूर्णिया में तो पप्पू सिंह और एक, हाँ, NDA का कैंडिडेट है, उनके बीच मुकाबला। क्यों, कौन है पूर्णिया से पहलवान? इसके माथे पे तुरंत बल आ गए क्या मुझसे पूछा जाएगा? संतोष कुशवाहा।
एनडीए से और पप्पू सिंह हैं कांग्रेस से, उस गठबंधन की तरफ से। आपका क्या नाम है? केदार मांझी। हैं केदार मांझी। केदार जी क्या करते हैं आप? यहाँ मजदूरी करते हैं, ईटा पत्थर जोड़ते हैं। मजदूरी करते हैं। और आप क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं सर। गाड़ी चलाते हैं? कौन सा गाड़ी चलाते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये एक तो हम आपका रंग में भंग कर रहे हैं, सब आराम से रिलैक्स कर रहा है आदमी, और हम आके एकदम माइक लेके आ गए। चंदन इधर आ। हाँ? नहीं वोट आपको जिसका दिल करे दीजिए, कमल पर वोट देंगे। अच्छा जो बात है क्लियर। अच्छा क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग का सर गरीब आदमी है, गरीब के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या काम हुआ है? बहुत अच्छा सरकार किया है, पैसा बंदी किया तो ठीक किया है। सब बड़का बड़का आदमी सब रुपया लूट के रखे हुए था, तो सब अच्छा ना हुआ सर कि जब पैसा निकल गया। बोलिए हम लोग तो गरीब हैं तो मजदूरी करेंगे, 400 रुपया कमाएंगे, 300 रुपया कमाएंगे तो बाल बच्चा को पोसेंगे, और सब रुपया सब लेकर बैठ के अब सर रख देता है तो हम लोग का तो भूखे मरते हैं ना। बताइए काम करेंगे आज करेंगे तो सर तो कहिए बिहान पैसा देंगे, परसों देंगे पैसा। वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। राजमिस्त्री है ना, उनसे देखिए अभी राजमिस्त्री कह रहे गए वहाँ, उनसे पूछिए कितना काम करते हैं वो, उनको मजदूरी मिलता है पूरा ढंग से पूछे तो? नहीं मिलता है। नहीं जी नहीं मिलता है। अच्छा गांव में स्कूल वगैरह है? हाँ सर स्कूल तो है। बच्चा जाता है स्कूल? हाँ, पढ़ने सब, हम बच्ची भी जाता है पढ़े। बच्चा बच्ची हाँ, दोनों पढ़ता है? बच्ची खाली पढ़ता है सर। बच्ची पढ़ता है, बच्चा छोटा है? आंगनबाड़ी में जाता है पढ़े। अच्छा अब बच्चा सब छोटा छोटा। ये वहाँ से उतर के अब यहाँ आ गया है, तो ये उतर के इसमें आया फिर इससे इसमें डालते हैं कि सब भरते रहते हैं इसमें? सब फेंट देता है। हाँ। और फिर इसमें भर देता है। और फिर ये 20 रुपए का देते हैं। हाँ। कितना बेच लेते हैं पूरे दिन में? खत्म हो जाता है जितना उतरता है ना, बिकता है तो फेंका जाता है। फेंका जाता है, एक दिन से ज्यादा नहीं चलता ताड़ी? ना। अच्छा पुलिस वुलिस तो परेशान नहीं करता है? करता है। क्या बोलता है? बोलता है कि लल सिंह सुना है ना है, लाइसेंस खोदता है। लाइसेंस? लाइसेंस नहीं है आपके पास? लाइसेंस तो अब ख़त्म हो गया। लाइसेंस अब ख़त्म हो गया। साले भर के रहता है? साल भर का रहता है। और पेड़ सब आपका है, तो जब ये नहीं बेच रहे होते हैं तब क्या काम करते हैं? ये सीजन में होता है कि पूरे 12 महीने होते हैं? ये है 2 महीना। हाँ चंदन इधर आओ यार, तुम हमारे दोस्त हो गए, तुम इधर आओ, आ जाओ इधर आओ, इधर आओ बैठो, ये पकड़िए इसको। है इसमें क्या मिलाया जाता है? मेंडेक्स? इसमें गोली मिलाते हैं? हाँ इसमें तो शुद्ध है, शुद्ध है सर, उतरता है शुद्ध है, सामने उतरा है। हाँ सामने उतरता है शुद्ध है। और इसमें दर्जनों मक्खियाँ मरा हुआ पड़ा है तो वो तो मिलवे करेगा सर, वो तो मिलवे करेगा, मक्खी नहीं मिलेगा। करता है नशा मक्खी से होता है? यह सब विटामिन है, ये सब विटामिन है, सब सड़ेगा गलेगा देख रहे हैं। हाँ यह नशा लाएगा, यही मक्खी जो मरेगा इसमें वो नशा लाएगा। कीड़ा कीड़ा सब है। हाँ अच्छा, कितने बच्चे हैं चौधरी साहब आपके? बच्चा कितना है आपका? 5 गो है। 5 गो। क्या करता है बच्चा सब? सब ऐसे खेलता कूदता है। अभी नौकरी जोग नहीं हुआ? ना नहीं, छोटा छोटा है। छोटा छोटा खेती भी है कुछ आपका थोड़ा? खेती नहीं है कुछ। गांव में आपके शौचालय वगैरह कुछ मकान वकान कुछ बनाए हैं चंदन? मकान तो सर हम लोग अपना बनाए हैं, थोड़ा सा जमीन जो आया था तो बेच के बना लिए हैं सर। हाँ 4 भाई हैं हम लोग, तो 4 भाई में अपना समझिए कि थोड़ा सा जमीन था बना लिए बेच बेच के, और उसी में हम लोग भगवान की दया से खुशी से अपना कमाते खाते हैं। हाँ कौन कौन चुनाव लड़ रहा है यहाँ से चौधरी साहब? कौन कौन चुनाव लड़ रहा है सर? नहीं बता सकते हमको, आप बताइए। हम नहीं ना बता सकते सर, हम कौन है भैया, कौन चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ते थे कौन खड़ा था? इधर इधर इस पे माइक पे आके बताइए, माइक पे आके इधर आइए। अरे इधर माइक पे भाई साहब आ गए, हम देखिए कितना दूर से आप लोगों से मिलने आए। इधर क्या बैठते नहीं है क्या? नहीं भैया बता देंगे। हाँ बैठिए आइए, विराज जी विराज जी। क्या नाम है आपका? नवलेश कुमार। नवलेश जी कौन कौन चुनाव लड़ रहा है आपके यहाँ? राम कृपाल यादव, अमीषा भारती। कुछ पिछले 5 साल 10 साल 20 साल क्या काम हुआ है, तरक्की का कुछ काम? तरक्की का यही हुआ है कि अभी तो फिलहाल अभी काम किया है राम कृपाल जी। हाँ, क्या एक ढलैया रोड करा है आगे वाला, ये यहाँ से आगे देखेगा तो वहाँ पर हाँ, रोड ढलैया। और हर आदमी के नेता जिसे सही है जब बुलाइए उनको तो आ जाएंगे। एक चीज उनका और हुआ इधर नहीं, जिसे अरे इधर इधर आके हाँ, काम नहीं काम तो है। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे हमने, अरे महाराज पेंट खराब नहीं होगा, बैठिए जा रहे हैं बराती से। अरे बारात जा रहे हैं, हमको भी बारात जाना है यार।
है, आपको भी जाना है, हमको भी जाना है बारात। हाँ बताइए क्या कहना? ये हम लोग के चमटोली के गांव है, उसमें कभी कुछ नहीं बना। चमटोली में नहीं बना? नहीं बना है, सगड़ो बन रहा है, हमारे गांव में नहीं बन रहा है। बताइए जी, विमलेश कुमार जी, विमलेश नाम बताइए। नॉलेज स्कूल, ना स्कूल है, ना कुछ भी है, ना नली है, ना कुछ भी है। गांव में नहीं है कि मोहल्ले में? नहीं, मोहल्ले में नहीं है, पूरा नहीं, मोहल्ले में नहीं है। अभी तो गांव में तो बच्चा है पहले। हां, अब गांव में तो है ही है, सब गांव में तो है ही है। तो बच्चा सब स्कूल जाता है? हां, स्कूल तो जाता है। वोट मांगने आता है नेता लोग? हां आता है। कौन कौन आया वोट मांगने? बहुत ही आता है, इतना पढ़ा लिखा के अपना जाने। अभी तक तो कोई निशा भारतीय वही जम के। कब है चुनाव? कब है बोल, वोट कब गिनना है? 19 तारीख है। 19 तारीख है, 12 है ना। तो कौन नेता अच्छा लगता है आपको? मिसा भारतीय रामकृपाल जी, इसको बोलो। हम किन का बोल सके? अभी बताओ, नरेंद्र मोदी चौधरी साहब कैसा नेता है? हमारा ये सब सर जानकारी है ना। अरे मोदी कैसा? अरे मोदी को जानते नहीं, कौन है मोदी? एक नंबर है साहब, एक नंबर मोदी सरकार है। हाँ, चंदन इधर आके बताओ, इस पे माइक पे बोलो। मोदी का जैसा कोई है नहीं, कोई है नहीं है मोदी ऐसा। अच्छा, हाँ मोदी मोदी है। अच्छा, उधर सब लोग बोलता है कि बिहार में लालू यादव, लालू यादव कहते रहे, कोई भी कहे, जात के अपना अपना लोग लेता है, मगर जात के हिसाब से। हाँ, मोदी जो है सर है, मोदी मोदी है, मोदी को हर गरीब के लिए मोदी सरकार जिंदाबाद। और नीतीश कैसा नेता है? नीतीश तो मोदी का जुड़वा भाई है। अच्छा, इधर है, जब नीतीश मोदी सरकार बनेगा भैया, तो नीतीश को जितना जरूरी है। अच्छा, जितना जरूरी है ना। तो नीतीश, आप क्या कह रहे थे, मोदी का कौन सा भाई है? सोदर भाई है। नासा में ना है ये? नासा में है? ये तुमको नशा में बता रहे हैं? हमने यहाँ अभी सर हम कुछ किए हैं, बताइए। अब हम उधर से आया था, बोले ये तो चौधरी साहब उधर गांव से आ रहा था। अभी देखिए हम लोग बदनाम कर रहे हैं। ठीक है सर, जो होगा वोट तो मिलेगा, नीति इनका छोड़ के कोई क्या राम कृपा के वोट हम कुछ। पर ये बोल रहे हैं इनके चमटोला में कुछ नहीं हुआ है? नहीं, तो ऐसे में नहीं हुआ है, क्या हो गया? कल नली नहीं बना है? राम कृपाल भैया तो बहुत काम किया है, स्कूल बना है, बन गया तो बन गया, सलाह उधर चल गया। कुछ है कमेटी है, रहने की जगह कुछ है, कुछ नहीं है। जगह मिलते हुए तो ना खेला। आपका क्या डिमांड है सरकार से? कुछ मांग है, कुछ चाहिए सरकार से? मांग हम लोग का डिमांड है कि कम से कम एगो स्कूल बन जाना, बैठका बन जाना चाहिए। स्कूल की बैठका? दो अलग अलग वही बैठका चाहिए हमको। हाँ, क्या कह रहे हैं? उधर उधर इनको दलान बना दे मोदी। तुम आओ, तुम तो कुछ बताए नहीं, इधर आओ। ये देखिए वो भी उतर रहे हैं ताली उतार के। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज, तुम यहाँ ताली बेच रहे हो है ना? जी सर। कितना पढ़े हो सूरज, स्कूल गए कभी? जी सर। कौन सी क्लास तक पढ़े? बीए फाइनल है। बीए फाइनल किए हो? कहाँ से? जगत नारायण कॉलेज खगौल है। अच्छा, तो फिर बीए के बाद कुछ नौकरी वगैरह करने का नहीं आया मन में? होता है सर, तैयारी होता है, पर घर में प्रॉब्लम की वजह से। घर में प्रॉब्लम, पैसे का कमी है? जी सर। कितना भाई बहन हो आप लोग? 3 भाई 1 बहन। बाकी भाई क्या करते हैं? 2, एक डिप्लोमा कर रहा है, जो सरकारी नहीं निकलता बिहार डिप्लोमा, वो निकल गया है तो भभुआ में है, वो डिप्लोमा कर रहा है। खेती वगैरह भी है थोड़ा बहुत? नहीं सर, जहाँ जगह घर है। घर है सर। तो ऐसे कैसा काम किया यहाँ मोदी सरकार, नीतीश सरकार सब ने? ठीक है कि कुछ कमी है, क्या लगता है? नहीं सर, ठीक है। हमको नहीं ठीक लगता है। ठीक है सर, मोदी जी सर। और ये सब जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सब वोट मांगते घूम रहे हैं? नहीं सर, जो अस्थाजी हम लोग के लिए तो मोदी सरकार ही ठीक है। कैसे? बहुत सारे लोग ना ऐसे कैमरे पे देखते हैं आपको, तो वो जानना चाहते हैं कैसे कि मोदी सरकार कैसे ठीक है। कैसे सर? देखिए, इस बार जो बॉर्डर पर हुआ था, एक्शन लेने के लिए तुरंत एक्शन लिया था मोदी सरकार। क्या हुआ था एक्शन? जो बॉर्डर पर हम लोग का, बॉर्डर पे जी सर, तब मोदी सरकार तुरंत एक्शन लिया था। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ है हम लोग का सेना बहुत में, पर इससे पहले कुछ माना कि इधर सरकार कुछ नहीं करता था, खाली समझौता करता था, पर मोदी सरकार तुरंत एक्शन लिया है। मोदी जी तो हर चीज से ठीक है, ये नहीं कहना क्या है कि जो बॉर्डर पर के काम किया, मोदी तो बहुत अच्छा काम किया है। गरीबों के लिए क्या किया है? गरीबों के लिए बना ही रहा है सरकारी अस्पताल में सर, सब चीज तो जो सुविधा दे ही रहा है। हाँ, गरीब को पेंशन चालू हो गया जो भूखे मरता था। अच्छा, तो हम लोग को पेंशन चालू हो रहा है तो जी रहे हैं। कितना पेंशन मिलता है? 400 रुपया मिलता है महीना। तो आपके खाते में आ जाता है? हाँ, खाता में आ जाता है। तो कौन देता है पेंशन, नीतीश की मोदी? अब सर हम लोग बैंक में नीतीश बाबू मोदी जी ना है हम लोग के, आओ कौन है सर? हम लोग आओ कौन देगा सर?
सरकार उन्हीं का है तो उन्हीं ना देंगे। तो सरकार से खुश हैं आप? हम तो खुश हैं सर, खुश हैं। हम खुश हैं कि अब अभी गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे, छोड़ दिए, अब छोड़ के बैठे हुए हैं, तो आँख से लौटता नहीं है सर, तो दो चार रुपया के बैठ के बेचते हैं। तो अब आप क्या ये काम करते हैं? हम तो अब गाड़ी चलाते थे सर, गाड़ी चलाते, अब छोड़ दिया, आँख से नहीं लौटता है, तो क्या करें सर, किस तरह खाना पीना है ना। सही बात। बच्चा लोग क्या करता है आपका? बच्चा एगो है सर, पाँच लड़की है, एक लड़का, पाँच लड़की एक लड़का, हाँ। तो लड़की लोग को शादी कर दिए है, लड़का भी शादी कर दिया, वो गाड़ी चलाता है, साथ में ही रहता है लड़का, अलग रहता है, अलग रहता है। तो कुछ बीमारी वीमारी होता है तो कहाँ जाते हैं इलाज कराने? जाते हैं सर, आपको हम लोग के बगल में डॉक्टर है, चाहे खगौल में जाते हैं सर, इलाज उलाज करते हैं हॉस्पिटल। अभी कार्ड वुड नहीं मिला है, इसीलिए कार्ड नहीं मिला, उम्मीद है मिलने का। कार्ड के बारे में सुने हैं कुछ? बोल रहा था हमारा गांव के वार्ड सदस्य हैं सर प्रमोद जी, हाँ, वो कहेंगे कोई कार्ड मिल जाएगा आप लोग का हॉस्पिटल में, इधर बैठ के बताओ, आप लोग का हॉस्पिटल में कार्ड मिल जाएगा, हॉस्पिटल में कार्ड मिल जाएगा, हाँ, आपको हम लोग दे देंगे, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जो नरेंद्र मोदी कार्ड चलाया है ना, तो आधा जुड़ा आधा नहीं जुड़ा है, गाँव में सब 20-25 को जुड़ा, बाकी सब कैसे है, जैसे मेरा भी गए थे उसमें कार्ड बन रहा था, कार्ड बना है लेकिन आधार से नहीं जुड़ा है, नहीं नहीं कार्ड, राशन कार्ड नहीं, जो बीमारी वाला नहीं था 5 लाख आयुष्मान वाला, हाँ। जी सर, वो आधा जुड़ा आधा नहीं जुड़ा, जैसे हम मम्मी गए थे कार्ड बनाने तो बोले कि आपका आयुष्मान से नहीं जुड़ा हुआ है, तो बोले मम्मी बोले कैसे जुड़ेगा, तो बोले कि अपने आप जुड़ेगा तो जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा। अच्छा, गाँव में 4-5 जुड़ गया है, बाकी ऐसे है सर। और है सर कि हमारे वाइफ को हमारे साथ बना था दोनों का पेंशन, अच्छा ना सर सर बता रहे, और 3 साल से सर हमको पेंशन औरत को नहीं मिल रहा है, हम कार्ड बना हुआ है सर, सब कुछ मिला हुआ है, खाता सब कुछ है, और 3 साल से पैसे नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है? उसका नहीं आ रहा है, 3 साल से हम लोग ब्लॉक दौड़ते दौड़ते, उसका कागज भी है SDO साहब का लिखित, अभी हमारे पास में है। आप अपने वार्ड मेंबर को या मुखिया को बोले? बोले सर, 10 का बोलता है तो कहता है कि आ जाएगा, हम ब्लॉक में गए सर पता लगाने से, तो वहाँ बोलता है कि आ जाएगा, 3 साल हो गया हमारे दोखते दोखते, अभी तक आया नहीं है सर। 3 साल के पहले आता था? नहीं, अच्छा बना ही 3 साल, 3 साल बना हुआ, हमको मिल रहा है सर, उसका नहीं मिलता है, हमेशा जाते हैं सर, आते हैं तो बोलता कि मिल जाएगा, अब बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद देखो सर क्या बोलते। तो ये लालू यादव कैसा नेता था? वे सर हम लोग क्या है नेता सर, हम लोग तो बेकमाई लोग को भी सर रहता है, तो हम लोग नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से सर, वे तो नेता है। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान ये सब हैं, एक तरफ राहुल गांधी, मीसा भारती है, ये सब है, तेजस्वी यादव, सब, सब जानते हैं सर, बाकी हाँ। हमको तो कोई भी रहे सर, अभी तो हमको सरकार तो अभी मोदी जी का ना अच्छा है सर, कि जो हम लोग का पेंशन मिल रहा है, अभी जो मोदी जी का राज जहम रहा है तो हमको अच्छा है कि अभी पेंशन मिल रहा है, वही वाइफ को नहीं मिल रहा है, 3 साल से दौड़ रहे हैं। कौन चैनल पर दिखाएगा ये? लल्लन टॉप पे दिखाएगा, लल्लन टॉप, हाँ, यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर भी आता है, तेज पे रात के 9 बजे शो भी आता है सोमवार से शुक्रवार को टीवी पे। आज वाला कब दिखाएगा ये? आज वाला यूट्यूब पे तो रात तक या कल आ जाएगा, और टीवी में भी कल आ जाएगा 9 बजे रात को आता है तेज। पेपर भी आएगा सर? पेपर पे नहीं आएगा, मोबाइल पे और टीवी पे आएगा। ये सब का भी तस्वीर रहेगा, ये सब जो बात की है सब रहेगा सर उनसे? ऐसा बात नहीं है, हाँ। हमारे उस दोनों जी खुश है। अच्छा, अभी पटना में सर आदमी नहीं चलता था, पटना में रोड सर ऐसा नहीं था, अभी रोड तो पटना में बना दिया है सर, 4 लाइन 6 लाइन, अभी एम्स का रोड भी बन गया है सर, तो हर तरह का रोड पटना का चकचक रोड है सर। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हम खुद इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम कॉलेज में हैं। कॉलेज में है, क्या करते हैं कॉलेज? प्यून है। कौन से कॉलेज में? JD Womens। तो आपका ड्यूटी लगा हुआ है? हाँ। क्या ड्यूटी लगता है आपका? वही निशान लगाना, भाउचर लेना, कंट्रोल मशीन पर लाइन क्लियर देना। क्या नाम है आपका? उपेंद्र प्रसाद। उपेंद्र जी कितने साल से प्यून हैं आप? 76 से। 76 से, हाँ। तो ड्यूटी कब से लग रहा है चुनाव में? 80 से। 80 से, हाँ। सब लोग ऐसे पहले बताता है कि पहले बड़ा गड़बड़ चुनाव होता था, जबरदस्ती बूथ छाप लिया जाता था। ना ना ना, ना ये गलत बात है, यहाँ तो सर नहीं, हमेशा ठीक से हुआ है, शांतिपूर्ण हुआ है सर, शांतिपूर्ण, हाँ, शुरू से हम ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए,
कई लोग बोलता है कि ये मशीन वाला ठीक नहीं, जो छप्पा ठापा वाला था, ठप्पा वाला, वो ज्यादा ठीक था। आपको कौन सा ज्यादा ठीक लगता है? मशीन वाला ठीक है। मशीन वाला ठीक है? क्यों मशीन वाला ज्यादा ठीक क्यों लगता है? इसलिए कि मैं गड़बड़ सबड़ नहीं है। हाँ। और उसमें थप्पा में कोई भी कई एक बार मार दिया। हाँ। ये बात तो एक है महत्वपूर्ण है कि अब वोट इनवैलिड होने का आशंका खत्म हो गई। इस बार से तो होगा, एक मशीन और दे दिया है। एक मशीन और दिया, क्या दिया है? वो कंट्रोल मशीन में ज्वाइंट रहेगा। हाँ। और बैलेट पेपर पर जो लाइन देंगे क्लियर। हाँ। उसका भी बटन टिपेगा। हाँ। तो उस मशीन में चल जाएगा वोट। हाँ, पर्ची निकलेगा। पर्ची निकलेगा, वीवीपैट वाला पर्ची। हाँ, वीवीपैट वाला। हाँ। ड्यूटी लग गया आपका? लग गया। ट्रेनिंग वेनिंग हो गया सर? आज हुआ था ट्रेनिंग। आज हुआ ट्रेनिंग। हाँ। तो आप स्याही लगाएंगे? हाँ। तो कैसा काम कर रही है सरकार यहाँ पे? सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। क्या बढ़िया, क्या बताइए जरा कुछ काम। बहुत कुछ लाभ दिया है। जैसे? जैसे रोड बनवा दिया, बिजली घर घर पहुँचा दिया। घर घर बिजली पहले नहीं था? बिजली पहले नहीं था। अच्छा, पैखाना भी बनी। हाँ? पैखाना, शौचालय भी यहाँ बन रहा है सर। बन रहा है? हाँ, शौचालय भी बन रहा है। बहुत आदमी का बन गया है, हम लोग अभी नहीं बना है। नीतीश बाबू भी काम सही किए हैं। अच्छा। गलत नहीं किए हैं, सरकार अच्छा ही रहा। हाँ। अब आगे के निकलते हैं वो देखा जाएगा आगे। अगर सरकार को, चाचा एक आखिरी सवाल, आप लोगों को कुछ मांगना हो सरकार से तो क्या मांगेंगे, क्या चाहिए? हमको क्या सर चाहिए, जो गरीब के हैं, जो हम लोग का कुछ खाता में पैसा आ जाए कि हम लोग खाए पिए। और क्या मांगेंगे सर? और क्या चाहिए? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, जो रोजगार रोजगार दे दीजिए कि हम लोग कुछ करें। आओ क्या कर सर, चना बेच रहे हैं सर। हम तो विचार करेंगे, हमारा पेंशन मिलवे करेगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो सब सरकारी बाबू है। हाँ। चलिए, ये मोहम्मदपुर गांव है? धर्मपुर है। ये धर्मपुर है, वो मोहम्मदपुर है, ये धर्मपुर। धर्मपुर मोहम्मदपुर का टोला है धर्मपुर। कितना वो पोलिंग है टोटल चौधरी साहब? 15 गांव का पंचायत है सर। 15 गांव का? 15 गांव का पंचायत है। कितना वोट गिरता है? 500 वोट मिलता है इस टोले का। 500 है? अच्छा, तो टोटल मतलब 7-8 हजार का पोलिंग होगा। हाँ, 15 हजार गांव है तो सॉरी 15 गांव। चलिए, ये जब हम लोग इलेक्शन की यात्राओं में निकलते हैं तो अब हर वक्त आप नेताओं के पास बैठे हैं तो आपको उनकी विनिंग थ्योरी सुनाई देती हैं, कार्यकर्ताओं के बीच बैठे हैं तो उनके उत्साह का पारावार दिखता है कि साहब कितने उत्साहित हैं हमारे कैंडिडेट। पर हम लोगों को लगता है कि अलग अलग पेशों से जुड़े, अलग अलग आय वर्ग के, अलग अलग वय के वोटरों के पास जाएं, उनकी आकांक्षाएं, वो इस लोकतंत्र के बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में क्या सोचते हैं, उनको क्या दुख तकलीफ़ें हैं, क्या उम्मीदें हैं, उसके बारे में जानें। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएँ। और अगर आप पहली मरतबा ललन टॉप का वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप देख रहे हैं dlantop.com। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी अमितेश कुमार।